हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास कुक बुक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू बोंडा की रेसिपी, या फिर आलू बड़ा बोल सकते हो इसको आप। बहुत ही फटाफट बन जाता है। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है उस टाइम पे अगर आप इसको भी बनाकर सर्व करते हो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला, ऑयल गर्म होते ही जीरा डालना है। इसी के साथ यहाँ पर हींग ऐड करी है मैंने। अब डाल रही इसके अंदर हल्दी पाउडर, और इसी के साथ यहाँ पर डालूंगी मैं बॉइल मैश आलू। आप चाहो तो कद्दूकस करके भी आलू को ले सकते हो। और अच्छे से इसको हम लोग को एक बार मिक्स कर लेना है। आप चाहो तो इसे कच्चे आलू से भी बना सकते हो। अगर कच्चे आलू से बनाते हो तो छोटे छोटे पीसेस में उसको कट कर लेना है और उसको भाप पर अच्छे से पका लेना है, तो वो आलू एकदम अच्छे से पक जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर डालना है हम लोग को नमक, और इसी के साथ लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे इसके अंदर। और अच्छे से इसको एक बार हम लोग को मिक्स कर लेना है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कद्दूकस, कीवी, अदरक, और इसी के साथ यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बॉयल मटर। मैंने 40-50% तक मटर को कुक कर लिया है, वही मटर मैं ले रही हूँ। और अच्छे से इसके अंदर डालेंगे हम लोग काजू, और इसी के साथ किशमिश ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको एक बोल में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। उसके अंदर डालेंगे हम लोग अनार। अनार ज़रूर डालना, अनार से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसी के साथ यहाँ पर डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा चाट मसाला। इसी के साथ भुना जीरा पाउडर डाल रही हूँ मैं। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। मैंने साथ में थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी इसके अंदर ऐड किया है। इसी के साथ थोड़ा सा काला मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, और एक बार इनको सबको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद में डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। नमक आप पहले चेक कर ले, उसी हिसाब से नमक डालना। तो मैंने लास्ट में काला नमक ऐड किया था। और अच्छे से बेसन के घोल के अंदर हम लोग को हमारे बोंडा रेडी कर लेने हैं। एकदम जब हम कढ़ाई के अंदर इनको डालेंगे तो तुरंत इनको नहीं चलाना, नहीं तो ये फट सकते हैं। जब ये हल्के हल्के से इनका कलर चेंज हो जाएगा या ऊपर की लेयर थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, उसके बाद में इसको कंटिन्यू चला लेना है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इनको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। अगर लंच बॉक्स में देते हो तो मिर्ची या जो भी स्पाइसेस है वो अपने हिसाब से एडजस्ट करें, जैसा आपका बच्चे को पसंद हो। अच्छे से इसको हम लोग को मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर ही हमारे एकदम अच्छे से रेडी हो गए, जिसको मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये बताई हुई रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, फैमिली और फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना। और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। तब तक इन्जॉय कीजिए गर्मा गर्म इस सर्दी में हमारे आलू बोंडा की रेसिपी को।